नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू ने संकल्प पत्र जारी किए। आजसू ने अब की बार रोजगार देने वाली सरकार का वादा किया है। वहीं नारी सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह और विधवा और वृद्धा पेंशन में भी 2500 रुपए करने का वादा किया है। देखिए रिपोर्ट। आजसू का संकल्प पत्र जारी, रोजगार देने वाली सरकार का संकल्प, स्वराज से सुशासन का संकल्प। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू ने संकल्प पत्र जारी किया है। आजसू का फोकस युवा, किसान और गरीब हैं। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, स्वराज से सुशासन, किसानों की आय में सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा, औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश। पिछले सरकार का सबसे बड़ा भार और सबसे बड़ा मार जहां पर हुआ है और जिनके साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ, जिनके भविष्य के साथ खेला गया, हमने उनको ही इस बार की प्राथमिकता में शुमार किया है। और हमने इस बार कहा है कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। अब की बार जो गवर्नमेंट आएगी, ये यहाँ के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू के संकल्प पत्र में कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। नारी सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपए, वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि 2500 रुपए करने का संकल्प, 18 से 50 साल के व्यक्तियों को 10 लाख तक की बीमा की सुविधा, पढ़े लिखे युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 6 से 25,000 तक की सहयोग राशि, इंटर्नशिप में शामिल नहीं होने वाले युवाओं को प्रति माह 2500 रुपए, बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त, बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 सालाना, हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी और बिजली, किसानों की आय 3 गुनी बढ़ाने पर फोकस, हर परिवार की न्यूनतम 1,21,000 की आमदनी सुनिश्चित, वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो 1,000 रुपये मिलता है इसको बढ़ा के 2,500 रुपया करने का हमने निश्चय किया है। हमने अपने परंपरागत रूप से जो हमारा सारना धर्म कोर्ट को हम अपने राज्य से और अपने राज्य के लोगों के लिए इस कोर्ट का हम हमेशा पछतर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसको राष्ट्रीय पटल पर लाकर इसका निराकरण करें, ताकि प्रकृति पूजक समाज एक सम्मान के साथ पूरे देश में सुरक्षित रूप से अपना और अपनी पहचान को सुरक्षित रख सके। आजसू ने खाली पड़े पदों को भरने और JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने का वादा किया है। वहीं महिला सुरक्षा के लिए आयोग के गठन के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए अलग से सुविधा सेंटर बनाने का वादा है। आंदोलनकारियों को 10,000 रुपए पेंशन और शहीद परिवार के लिए 1 सदस्य को सरकारी नौकरी। वहीं अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति का निर्धारण, बेसा कानून को मजबूत करने और सरना धर्म कोड के मामले को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर समाधान करने और जातीय जनगणना का संकल्प है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो चुनावी विषाद बिछी हुई है। पहले चरण के मतदान में बहुत कम समय बचा हुआ है और लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही हैं। जमशेदपुर में भी आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का जुटान हुआ। दूसरी तरफ अगर एनडी ब्लॉक की बात कर ले तो आज तेजस्वी यादव चुनावी रण में उतरे हुए थे, चुनावी सभा को संबोधित किया। एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, मतदाताओं से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। हम शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, आज जमशेदपुर में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता पहुंचे और कल का दिन भी खास होने वाला है, क्योंकि कोल्हान की धरती पर कल एक बार फिर अमित शाह आने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और मतदाता इस बार किस ओर जाते नजर आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। नमस्कार,
देखिए, सबसे पहले तो आज ये बताऊं कि आज सरायकेला में हिमंता बिस्व शर्मा की सभा थी, रांची में गिरिराज सिंह की दो सभाएं थी, एक आदित्यपुर में और दूसरी सभा कदमा मैदान में थी, दोनों रद्द हो गई। उनके हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई तकनीकी, और देर शाम तक इंजीनियर ठीक करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो रांची से ही उड़ान नहीं भर सके। लिहाजा यहाँ पर दोनों जगहों पर लोग आके जुटे, काफ़ी देर इंतज़ार किया। अंत में जब कदमा मैदान में जब उनका इंतज़ार हो रहा था और कुर्सियों पे लोग बैठ चुके थे आकर के, और बार बार जो संचालक थे वो तसल्ली दे रहे थे कि अभी उड़ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने पता कर लिया था कि उनका हेलीकॉप्टर रांची से उड़ा ही नहीं है। तो पहले आदित्यपुर की बारी थी, आदित्यपुर की सभा कैंसिल हुई, और अंत में यहाँ भी लोगों को बताए बिना कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, ये कह के कि वो आ रहे हैं। सरजू राय मंच पर आए, स्थानीय नेता अपना अपना भाषण करते रहे, और अंत में जब सरजू राय आए तब उन्होंने ये ऐलान किया कि गिरिराज सिंह नहीं आ पाएंगे। काफ़ी दूर से लोगों को इकट्ठा करके लाया गया था, हिंदू हृदय सम्राट आ रहे हैं गिरिराज सिंह को, ऐसे भी सुनने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। बहरहाल उनके नहीं आने से लोग निराश हुए, मायूस हुए, लेकिन मंच को संभाला फायर ब्रांड नेताओं ने, और सरजू राय खुद ही आए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जो गठबंधन हुआ है, सिलेंडर छाप ही कमल छाप है, ये सब कुछ कह करके किसी तरह से वहाँ पर काम चला है। अब बात कल की करते हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण है जमशेदपुर के लिए। जमशेदपुर में कल रोड शो है गृहमंत्री अमित शाह का, जो जुबली पार्क से निकलेगा और कई सड़कों से चलता हुआ भालू भाषा में आकर के संपन्न होगा। दूसरे राहुल गांधी की भी सभा और रोड शो की खबर है यहाँ पर, अभी टाइम और प्लेस तय नहीं बताया जा रहा है, देखिए क्या होता है, थोड़ी देर में हम बता पाएंगे। दूसरी बात है अमित शाह की सभा पोटका में भी है 3 बजे, तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही है। अब इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोल्हान को साधने के लिए बीजेपी खेमे ने, एनडी गठबंधन ने, दोनों ने जो है पूरी ताकत लगा दी है, रणनीति अपनी बिछा दी है। जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जहाँ पर जिस नेता की ज़रूरत है, उसको वहाँ पर भेजा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई, आपने देखा यहाँ पर जमशेदपुर के आम बगान मैदान में, तो वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जुटी। उनकी सभा का मकसद था यहाँ की दो जो विधानसभाएं हैं, खास तौर पर पश्चिमी और पूर्वी, उसको साधने के लिए, उसके मतदाताओं को साधने का प्रयास था। अब अमित शाह भी आ रहे हैं, तो अमित शाह का भी यही प्रयास होगा कि यहाँ पे शाहनवाज बने रहिएगा। और भी जानकारी लेंगे हम आपसे गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, और भी जितने भी तमाम दिग्गज नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर एनडी ब्लॉक की पार्टी के हों, लगातार आपसे अपडेट लेंगे हम, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे साथ गढ़वा से राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, गढ़वा में मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला रोचक, आप जनता के बीच है, जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या है मुद्दे, और इस बार बयार किस ओर बहती नजर आ रही है, जनता से बात करें। अब बिल्कुल आयुष, देखिए मैं फिलहाल गढ़वा जिले में मौजूद हूं, और गढ़वा जिले का यह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जहां मैं फिलहाल स्थित हूं, मेरे साथ भवनाथपुर के वोटर्स हैं और जनता भी है। देखिए भवनाथपुर में भी एक बड़ा दिलचस्प लड़ाई है। भानु प्रताप शाही दो टर्म के यहां से विधायक हैं, और जो अनंत प्रताप देव, उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर इस बार अपना एक आप कह सकते हैं कि दावा पेश कर रहे हैं, वो भी एक टर्म के यहाँ विधायक रहे। 2009 में वो चुनकर आए थे कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस यहाँ कमज़ोर होती गई, लिहाजा अनंत प्रताप देव ने कुछ महीने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया, और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चुनावी दंगल में है। तो हम सीधे लोगों से जुड़ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भवनाथपुर इस बार क्या कह रहा है। आप बताइए भवनाथपुर में किस तरह का माहौल, क्या कह रहा है इस बार भवनाथपुर, बदलेगा या फिर वही चेहरा? नहीं, बदलने का तो कोई चांस नहीं है। सबसे पहले न्यूज़ 11 को, टीम को सब बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। और इस पर बदलाव का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सभी जनता विकास के साथ है, और भानु जी ने विपक्ष में रहकर जो काम किया है, शायद सत्ता में रहकर भी वो हेमंत सोरेन ने ये काम नहीं कर पाया है। आजीवा का मुद्दा हो
या फिर पलायन का मुद्दा हो, किसी विधानसभा में बड़ा जोर शोर से उठाते रहे। माननीय विधायक जी, आप लोग सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा होगा कि विधायक जी किस तरह से सदन में पुरजोर तरीका से मामले को उठाते हैं, सड़क पर लाठी खाते हैं, ये सभी से छुपा हुआ नहीं है। ये कोई और कुछ और लोग है, बदलाव होगा या फिर वही पुराना चेहरा, किस पर दाव लगा रहे आप लोग? पुराना चेहरा आएगा, भानु प्रताप शाही जी अपार बहुमत से इस क्षेत्र का पुनः प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में जा रहे हैं। छोटे राजा भी तो बहुत दम लगा रहे इस बार। छोटे राजा का विकास कभी हुआ ही नहीं है, 6 टर्म से उनके खानदान के लोग विधायक हैं रमुना की धरती पर। यहाँ हम रमुना पूरे विधानसभा की धरती पर झूठा शिलान्यास करना उनका अपना पुराना पेशा रहा है। भवनाथपुर में इसी हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस की सरकार में पावर प्लांट का शिलान्यास कराए थे, इसके बाद कोई भी विकास का उनका चेहरा नहीं दिखता है। तो लोग जो है वो भानु प्रताप शाही के कामकाज से खुश है। चचा आप बताइए, बदलाव है इस बार भवनाथपुर में या पुराना चेहरा ही ठीक ठाक है, उसी पर दाव लगेगा? यहाँ पर भानु प्रताप शाही ने जो काम किया है अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। और अभी अभी रमुना प्रखंड में 15 जगह उनका रोड का काम चल रहा है, उसमें कोई बदलाव। आज हेमंत सोरेन जो जेल गए, लूट के कारण ही जेल गए। अब एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो है जो लोकसभा का जो चुनाव था उसमें इन लोगों ने लोकसभा छोड़िए, अभी विधानसभा आ गया है, उस पर बात कीजिए। आइए इधर, आप बताइए क्या होगा भवनाथपुर में, बदलाव होगा या पुराना चेहरा ही चलेगा? पुराना चेहरा ही चलेगा, बदलाव नहीं होगा। सब पुराने चेहरे पे दाव लगा रहा है, चेहरा ही चलेगा, क्योंकि हम लोग भी राज्य सरकार के जो व्यवस्था से सारे लोग नाखुश हो गए, पूरे जो है ना पूरे भवनाथपुर। बीजेपी वाला आ गया क्या जी यहाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसे हम लोग जनता भी, बीजेपी से पहले हम लोग यहाँ के जनता भी है, वोटर भी है, आम जनता भी है। आपको लग रहा है कि उन्होंने काम किया, 2 टर्म विधायक रहे, काम किया, सरकार में मंत्री भी थे वो, स्वास्थ्य मंत्री जी, बहुत सारा काम किया है वहाँ, जहाँ पे अभी सड़क, बहुत सारे गांव के जो सड़क था, सारे सड़क को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जोड़ दिया है। रमुना में मान लीजिए पावर ग्रिड भी जो है उन्हीं का देन है, भानु प्रताप शाही के ही समय रहते हुए भी उनका है। बिजली के क्षेत्र में अभी हमारा जो यहाँ रमुना जो है, खासकर रमुना यहाँ पर चौक, ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। झारखंड के जनादेश में हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या राय है, किन मुद्दों पर जनता वोट डालने जाएगी, और साथ ही यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी के कौन से दिग्गज नेता से किस क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, शाहनवाज हमारे साथ जमशेदपुर से, और गुमला से हमारे संवाददाता नौशाद लाइव जुड़े हुए हैं। हम नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, गुमला में पीएम आने वाले हैं, 48 घंटे से कम का समय बचा हुआ है। पीएम के आगमन को लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही, लेकिन आम जनता में, मतदाताओं में पीएम के आगमन को लेकर फिलहाल क्या मूड है, क्या राय है? अब बिल्कुल आयुष, देखिए गुमला का मौसम ठंड है, ठंड भरे पूरे माहौल हो चुका है, लेकिन राजनीतिक जो है वो का जो तापमान वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में अब शोर शराबों के बीच अब मतदान के दिन का इंतजार है लोगों को। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो मतदाता हैं, और कुछ पीएम के आगमन को लेकर उत्साहित हैं। हमारे साथ हैं इन लोग, चूँकि अब 10 तारीख को पीएम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा, और यहाँ करीब 5-7 विधानसभा के लोग पीएम की सभा को देखेंगे और सुनेंगे। हम सीधे जनता ही के पास जाते हैं कि पहला सवाल हम उन्हीं से करेंगे कि पीएम का आगमन है, 48-45 घंटे बच गए हैं, कितना उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग पीएम का आने का बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिल में गुदगुदी हो रही है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ नया नया बात बोलेंगे। बहुत दिनों से हम लोग का आता रहता है कि भाई बहुत देश के प्रथम प्रधानमंत्री माने आने वाले हैं, तीसरे बार आज प्रधानमंत्री हैं यहाँ, और उससे हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ का विधायक जो रहे हैं बहुत हम लोग को नाखुश कर दिए हैं, बालू को बेच दिए हैं, ऐसा बालू को बेचे हम लोग कि हम लोग त्राहीमाम हो गए हैं,
और जितना संवेदकों को ऐसा लूटना स्टार्ट किए, जो अभी वर्तमान विधायक रहे हैं जो भी हैं, संवेदकों को लूटने का स्टार्ट जो किए हैं, संवेदक से 8% लेके काम करने का स्टार्ट जो किए हैं, इसमें बहुत हम लोग ना कमीशन वाला मामला सामने है क्या? एकदम कमीशन वाला मामला सामने है और संवेदकों को एकदम सिलू रेट में अपना दबंगई की तरह से काम दिला रहे हैं। रोड का टेंडर हो चाहे जो भी टेंडर हो उसमें, और हम लोग इस बार बदलने का मूड में हैं, नए विधायक की तलाश में हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे 23 तारीख को नए विधायक हो रहे हैं यहाँ के। हम लोग जोश खोश से हैं कि भाई हम लोग वोट करने के लिए जाने वाले हैं। 13 तारीख को यहाँ वोट है, व्याकुल हैं। 13 तारीख को वोट है, देखिए वोट को लेकर इन लोग वोट देने को लेकर काफ़ी व्याकुल हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, जाहिर सी बात है हिस्सा लेंगे, हर आम और खास उसमें रहते हैं। हमारे साथ एक भैया और हैं भैया, पीएम का आगमन को लेकर है तैयारी, जस्ट 2 कदम पर उनका सभा है यहाँ पर, कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है कि उनके आने से एक ऊर्जा पैदा होगी यहाँ के कार्यकर्ता तो हैं उसके अलावा आम लोगों में? निश्चित रूप से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दास मोदी जी, उनके लेके सुदूर क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच में, और लोग आतुर है उनसे उनकी बातों को सुनने के लिए और उनके भाषण और उसका लाभ उठाने के लिए। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो गरीबों के मसीहा हैं और निस्वार्थ भावना, कोई परिवारवाद नहीं, निस्वार्थ भावना से 2-3 घंटा ही अपने आराम के लिए वो निकाल पाते हैं डेली, और नहीं तो देश हित में वो काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मैं तो बोलूँगा ये भगवान का ही रूप है, एक ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश में हुआ है ना होगा। बिल्कुल, देखिए मुद्दे की बात करें तो गुमला में पलायन है, बालू की कमी की बात है, बेरोजगारी है, चिकित्सा, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी चुनावी मुद्दा बने हुए हैं। हमारे साथ एक भैया, ये बताइए कि जो सबसे इतर अगर हम यहाँ के मुद्दे की बात करें जो यहाँ पर सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, कल कारखाने तो हैं नहीं यहाँ पर, रोजगार के जो है सर कुछ नया रोजगार का कुछ वैसा माहौल बना इन 5 सालों में, या फिर वहीं कहीं आप लोग पड़े हुए हैं? नहीं नहीं, आने वाले समय में हम लोग अपने विधायक से और या जनप्रतिनिधि हैं उनसे ऐसा आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि गुमला के आसपास बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार है, तो बॉक्साइट का भंडार है तो हम चाहेंगे उससे संबंधित आसपास में कारखाना दें। रेल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बिना रुके बिना थके काम करते हैं, और ऐसे नेता हैं जो आज तक छुट्टी नहीं लिए, तो मैं उनसे एक विशेष मतलब उम्मीद करता हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे ट्वीट के माध्यम से मैसेज भी भेजा है कि रेलवे का वो घोषणा जरूर करें, रेलवे का घोषणा करेंगे तो बहुत सारा काम निकलेगा, पलायन रुकेगा, और पलायन रुकेगा तो निश्चित तौर पर विकास होगा, और विकास होगा तो गुमला स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, आगे बढ़ेगा, और पूरे झारखंड में ही नहीं देश के मानचित्र में इसका नाम होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए रेल जो लाइन की बात है बहुत खास बात और अहम विषय पर उन्होंने चर्चा की है कि अगर पीएम आते हैं तो ये जरूर उनसे गुहार होगा। नौशाद बने रहेगा आप हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। जनता की और क्या राय है, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहिए आने वाले सरकार से, ये आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, जमशेदपुर को लेकर बात हो रही थी, कोल्हान को लेकर बात हो रही थी। शाहनवाज, गृहमंत्री आने वाले, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन किन किन जगहों पर क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें, और फिलहाल किस सीट पर क्या माहौल है ये भी जानकारी साझा करें। देखिए सबसे पहले तो कौन कौन से बड़े नेताओं का कहां कहां कार्यक्रम है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो ये कि पोटका में 3 बजे अमित शाह का कार्यक्रम है, रैली है, आम सभा जिसको बोलते हैं, पोटका यहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहां मीरा मुंडा जहां से चुनाव लड़ रही हैं अर्जुन मुंडा की पत्नी, वहां के बाद अमित शाह रांची आएंगे, और ये जुबली पार्क से लेकर के भालूबासा मैदान तक रोड शो करेंगे अमित शाह। राहुल गांधी का भी साइमल्टेनियसली उसी समय 2 बजे के आसपास यहाँ पर एक आम सभा भी करेंगे राहुल गांधी, और रोड शो भी करेंगे। ये 2 बहुत ही अहम कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं जमशेदपुर में। कल दोनों पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता होते हैं वो मौजूद रहेंगे, जनता को दोनों का प्रोग्राम देखना है, दोनों के जो समर्थक हैं अपने अपने नेता के रोड शो में हिस्सा लेंगे। आज का तो ये प्रोग्राम, अभी अभी
धर्मेंद्र प्रधान आए हुए थे जो अपने समाज उत्कल समाज जो है उनका उड़ीसा का, उसके साथ उन्होंने एक बैठक की है। तो कुल मिला करके ये कार्यक्रम यहाँ पर हो गया। अब रहा सवाल कि गिरिनाथ सिंह का आज कार्यक्रम था जो रद्द हो गया, हो सकता है कि उनका कार्यक्रम कल बन जाए क्योंकि अभी वो रांची में मौजूद हैं, तो ये कह नहीं सकते कि कल किस वक्त प्रोग्राम होगा। बहरहाल कहीं ना कहीं का उनका प्रोग्राम बन सकता है। बहरहाल अमित शाह के प्रोग्राम में तो जाहिर है फिर सारे कोल्हान के तमाम लोग फिर जुटेंगे पोटका में। सरायकेला से चंपई सोरेन होंगे, उनके पुत्र होंगे, बाकी जो उम्मीदवार होंगे आसपास के तमाम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद रांची आ जाएंगे अमित शाह अपना कार्यक्रम करने के लिए। कोल्हान में 14 की 14 सीटों पर फोकस है, कोई भी एक सीट को हल्के में भारतीय जनता पार्टी और NDA नहीं ले रहा है। दो सीटें ऐसी हैं जो उसके अलाई की हैं, बाकी सारी सीटें उसकी अपनी हैं, जिसमें एक जुगसलाई है, आसू लड़ रहा है, और जमशेदपुर पश्चिम में सरजू राय जदयू के बैनर तले लड़ रहे हैं, लेकिन उनको NDA के पार्ट हैं और उनको पूरा का पूरा समर्थन है। अब रहा सवाल कि किस किस सीट पर बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर हम मान लें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की निगाह कहीं के किसी सीट पर है तो वो है चंपई सोरेन की सरायकेला की सीट पर। बिल्कुल, देखिए सरायकेला की सीट इंटरेस्टिंग होने वाली है। घाटशिला पर भी नजरें टिकी है, पोटका पर नजरें टिकी है, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ये तमाम सीटें जो है, यह मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम आपके पास ये बताने की कोशिश, ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में पिछले सरकार के कामकाज से क्या जनता खुश है या फिर परिवर्तन चाह रही है। लगातार जनता के बीच हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं। नौशाद हमारे साथ गुमला से लाइव जुड़े हुए हैं, नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, जनता लगातार ये बात कर रही थी काम नहीं हुआ है और नाराजगी जताई जा रही थी जनता की ओर से, आप जनता के बीच है, PM के कार्यक्रम को लेकर उत्साह तो है ही, लेकिन आने वाले 5 साल की सरकार से जनता क्या चाहती है ये भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। अब बिल्कुल आयुष, देखिए यहाँ सबसे जो ज्वलंत विषय है वो रेलवे लाइन को लेकर है। आपको पता होगा कि करीब 25 साल हो गए झारखंड के होने जा रहे हैं गठन को लेकर, लेकिन इस क्षेत्र में जो बॉक्साइट की नगरी भी कही जाती है, यहाँ की बॉक्साइट दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ का कह सकते हैं कि वहाँ उजाला हो रहा, वहाँ के लोग धनवान हो रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आज भी पलायन है, मजदूरी के लोग काम कर रहे हैं, खेती है लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन आज भी लोग बाहर काम करते। सीधे एक अंकल हैं, हम उनसे बात करें, उनकी कुछ विषय थे, उनसे बात करेंगे कि अल्मोनियम की फैक्ट्री की बात कर रहे थे, क्या ऐसा विषय जी इसमें अल्मोनियम फैक्ट्री अगर गुमला लोहरदगा के बीच में बैठ जाए तो दोनों जिला का प्रॉब्लम है, उधर बगल में पलामू है, रांची है, और रेलवे का तो बहुत पुराना मांग है। हम 1967 से जनसंघ में थे, भाजपा में अभी भी हैं, मगर कभी सुदर्शन भगत जी हैं वो भी जोरदार तरीके से कम रेलवे के लिए, अल्मोनियम के लिए अगर बात उठाते तो पब्लिक के दिमाग में जाता, अभी तो पब्लिक के दिमाग में नहीं जा रहा, बोलते सुदर्शन भगत कोई काम ही नहीं किया है, काम करने का मौका मिला मगर नहीं किए। यही बिल्कुल ये जो सबसे है PM आगमन को लेकर है, उसके अलावा जो अभी क्या मुद्दे बनेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव का मुद्दा यहाँ जो है बेरोजगारी है, पलायन है, एवं शिक्षित बेरोजगार लोग जो फॉर्म भरते हैं पेपर लीक हो जाता है उसको लेके आंदोलनरत है, एवं गुमला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र, इसके अलावा सिमडेगा जिला का आधा पार्ट पड़ता है, यहाँ 4 विधानसभा का माने क्षेत्र पड़ने पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या किसी भी दल के हों, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर ट्राइबल लीडर होते हैं, ट्रैवलों का भी ये लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं तो जनरल लोगों का कहाँ से विकास हो पाएगा। इसलिए यहाँ रेलवे की बात है तो रेलवे की लाइन आज तक क्यों नहीं आई, जबकि संसद में इसकी पुरजोर अभी आपके सुखदेव भगत जी भी बात रखे हैं, अब इस बजट में आती है या नहीं आती है, रेलवे से जुड़ने से यहाँ के गरीब वंचित बेरोजगार जुड़ेंगे और उन लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन की समस्या दूर होगी, लेकिन ये लोग वो चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए
सबसे बड़ी बात है कि वही है कि रेलवे लाइन से अगर यहाँ से क्रॉस करती है या फिर रेलवे लाइन का यहाँ ठहराव होता है तो यहाँ से रोजगार का अवसर बढ़ेंगे और यहाँ पर बिल्कुल देखिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन पिछले 5 साल के कामकाज की अगर बात करें तो जनता ने क्या उम्मीद की थी और जनता को क्या मिला नहीं मिला, इस पर भी जनता से बातचीत करें आप। बिल्कुल पिछले 5 साल में क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या आप लोग सोचे थे कि इस बार इनको मौका दिया जाएगा या फिर मैंने हमारे पुराने विधायक को मैंने हम लोगों ने 5 साल मौका दिया, लेकिन गुमला के लिए दुर्भाग्य था कि वो जीतने के बाद एक भी काम पूरे गुमले जिले में कहीं उनका काम दिख नहीं रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। ये कनेक्टिंग है दोनों डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदगा है गुमला है, आना जाना लगा हुआ है, 1 घंटे का सब है, दोनों जगह का लगभग वही समस्याएं हैं जो विषय हैं मुद्दे हैं। इस बार गुमला की जनता है, आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल नौशाद, तो लगातार जनता के बीच न्यूज 11 भारत की टीम जब पहुंच रही है जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 साल के कामकाज से खुश है या नहीं, कमोबेश ये निकलकर सामने आ रहा है कि कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई है। हालांकि इस बार जनता को 13 और 20 नवंबर को तय करना है, जब ईवीएम में वोट डालेंगे बटन दबाएंगे तो बिल्कुल जनता भली भांति जानती है कि किन मुद्दों को लेकर किन पहलुओं को लेकर इस बार वोट डालना है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नौशाद और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के रण में इस वक्त मुकाबला दिलचस्प है तमाम सीटों पर, कमोबेश अगर सभी 81 सीटों की बात कर ले तो मुकाबला हर सीट पर दिलचस्प है। ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि किस सीट पर कौन से प्रत्याशी लीड कर रहा है या फिर किस प्रत्याशी का पलड़ा ज्यादा भारी है, अभी किसी भी सीट पर कुछ भी हो सकता है। मुकाबला झारखंड का है, रण झारखंड का है, झारखंड के रण में अगले 5 साल के भविष्य को लेकर इस बार जनता वोट डालने जाएगी और इस बार जब मतदान केंद्र पर जनता पहुंचेगी तो अपने द्वारा डाले गए वोट यानी 2019 में जिन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट डाला था वो जरूर ख्याल में आएगा कि क्या वो वादे पूरे हुए, जिन्हें हमने सत्ता के शीर्ष पर बैठाया था क्या उन्होंने काम किया। तो देखिए तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, चर्चा करते रहेंगे और लगातार न्यूज 11 भारत के संवाददाता मतदाताओं के बीच है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची हुई है, जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जमशेदपुर में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, या पूर्वी हो या पश्चिमी दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा। पिछले बार हालांकि जो चुनावी परिणाम सामने आया था सबके होश उड़ गए थे, लेकिन उम्मीद है कि पूर्वी पर इस बार जो इतिहास में होता रहा है वही होगा, क्योंकि मुद्दे कई हैं, मुद्दा विकास को लेकर है, मुद्दा रोजगार को लेकर है, मुद्दा युवा के भत्ता को लेकर है, मुद्दा इस बार महिला सुरक्षा को लेकर है। आप तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या और विशेष मुद्दे हैं जिसे लेकर इस बार जनता मतदान केंद्र पर जाएगी, ये भी बताएं। देखिए निश्चित तौर पर इस बार जनता मन बना लिया है और जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी का परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी का रहा है। एक लंबे अरसे से रघुवर दास जी लगातार जीतते रहे हैं और आप समझिए कि 25 वर्ष एक लंबा सफर, हालांकि उसके बाद वो 30 वर्ष का सफर तय नहीं कर पाए, सरजुग राय जी उनको पटकनिया दे दिया, लेकिन अब उस इलाके के लोग जो जमशेदपुर पूर्वी के लोग हैं वो 5 वर्ष में समझ गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कि अगर बीजेपी का अगर विधायक रहता तो निश्चित तौर पे इस इलाके में चौमिकी विकास होता, क्योंकि विकास की बात करें तो रघुवर दास को लोग विकास पुरुष के नाम से जानते थे, हालांकि अब तो महामहिम हो गए हैं वो नहीं है, लेकिन उनकी बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से मैदान में है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करना चाहती है उनके कार्यकर्ता जो पिछली बार हुई थी, लेकिन मुद्दा की बात करें तो मुद्दा इस इलाके में सबसे अहम मुद्दा अगर है तो है मलिकाना हक का मुद्दा। ये मुद्दा काफी लंबा पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार जो इस मुद्दे पर वोट करेंगे तो मालिकाना हक का कानूनी अधिकार
कानूनी अधिकार जो दिल्ली के तर्ज पर यहाँ लोगों को मिले, और सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ मालिकाना हक नहीं मिले, क्योंकि मामला न्यायालय में है, पेचीदा है, वक्त लगेगा, लेकिन कानूनी अधिकार मिलेगा तो बुलडोजर नहीं चलेगी। ये एक अहम मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है, इस इलाके में पानी की घोर किल्लत है। पानी को लेकर लगातार रघुवर दास जब विधायक हुआ करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री हुए, तो जलापूर्ति योजना का आरंभ कराया था, लेकिन 5 साल में यह योजना धरातल पे उतरी लेकिन कारगर नहीं हुआ। तो आखिर उस काम को आगे बढ़ाना उनकी बहू की जिम्मेवारी बनती है। जनता समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पे उनकी बहू आएगी तो इन समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगा। अगर हम पश्चिमी की बात कर ले तो पश्चिमी में सीधे तौर पे मंत्री मन्ना गुप्ता है और विधायक सरजुग राय है, जो पूर्वी में रघुवर दास को हराए थे, मुख्यमंत्री को हराए थे, लेकिन इनका सरजुग राय का परंपरागत सेठ जमशेदपुर पश्चिमी ही रहा है, क्योंकि जब वो बिहार से आए थे तो पहली बार वो जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़े तो वो जीते यहां से, और उसके बाद एक बार हारे फिर उसके बाद जीते। तो जमशेदपुर पश्चिमी का इतिहास रहा है कि आप कितनों काम कर ले या नहीं करें, 5 साल आपको मौका यहाँ की जनता देती है और उसके बाद सीधे बदल देती है। तो इस बार अगर उसी पैटर्न पे काम हुआ तो कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, और कांग्रेस के सामने अगर सरजुग राय है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, जो मंत्री है, उनके जो पिछले कारनामे को अगर बिल्कुल आप बिल्कुल मालिकाना हक का बेशक एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर भी बातचीत लगातार होती रहती है। और अगर हम बात कर ले क्राइम रिपोर्ट की, तो जमशेदपुर में हमने देखा आए दिन गोलीबारी हुई, ये तमाम मसले लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं बोकारो से। सुरेंद्र, बोकारो की धरती पर पीएम मोदी आने वाले हैं, चंदन क्यारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, करीब करीब 10 विधानसभा सीटों को एक साथ चंदन क्यारी की धरती से साधेंगे पीएम मोदी, क्या माहौल है, जनता के बीच कितना उत्साह है, तमाम जानकारी साझा करें। देखिए 10 तारीख को पीएम मोदी आएंगे, सुबह 10 बजे चंदन क्यारी की धरती पर आएंगे, और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आजादी के बाद 78 वर्षों के बाद कोई पीएम पहली बार चंदन क्यारी के धरती पर आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, हम कह सकते हैं वहाँ के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के वो, और जनता भी काफ़ी खुश है, चूँकि मोदी को देखने का उन्हें सामने से मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। और वहाँ की अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, और एसपीजी की टीम लगातार वहाँ कैंप कर रही है, बोकारो पुलिस भी कैंप कर रही है, और यहाँ से आईजी भी और एसपी भी आज गए थे और वहाँ का जायजा लिया। हम कह सकते हैं कि जो 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी होंगे, बोकारो, झरिया, बागमारा, टुंडी, निरसा, ये सभी जगह से लोग वहां पर पहुंचेंगे, और कह सकते हैं कि जो भीड़ होगी खचाखच भीड़ भरी होगी, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख से 1.25 लाख लोगों का वहां आगमन होगा, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम यहां पर कुछ जनता जनार्दन भी जुटे हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी आ रहे हैं तो इनको कितना खुशी हो रहा है। मोदी आ रहे हैं 10 तारीख को चंदन क्यारी में, क्या कहेंगे? कहेंगे कि ठीक है, खुशी क्या बोले, आएंगे, देखेंगे, लोग जाएंगे, मगर हमारा कहना है कि सिर्फ देखने के प्रत्यक्ष से उनको देखना पड़ेगा सिर्फ, और कुछ तो होना है नहीं, आना विकास होता है हमारे अभी बोकारो क्षेत्र में, आना विकास दिख रहा है कुछ, चाहे वो अभी एयरपोर्ट का ही मामला हो, तो एयरपोर्ट जहाँ तक बात है कि बोला जा रहा है हर बार की तरह, इस बार में भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट खुलेगा खुलेगा खुलेगा, और ये सुनते आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है और किसी चीज़ की, शिक्षा की अगर हम बात करें तो, शिक्षा बोले तो शिक्षा के प्रति देखा जाए तो शिक्षा तो यहाँ पर जो पुराना मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग बचपन से इधर रह रहे हैं, जो हमें अपने को पीछे टाइम पे देखा जा रहा था वो अभी नहीं दिखने को मिलता है, और ना ही यहाँ रोज़गार को दिखता है हमें, जो मतलब क्या बोले उसको, रोज़गार के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? जी रोज़गार की तो यहाँ पे है इशू, मतलब लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, प्लस बीएसएल का भी जो इशू चल रहा है, विस्थापितों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है उसका भी है, बाकी कोई वैसा बड़ी इंडस्ट्रीज़ का भी सेटअप नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, काफ़ी दिनों से ऐसा है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए,
तो ये इशू है यहाँ रोजगार का, तो बड़ी इशू है यहाँ। पलायन भी एक समस्या है। पलायन भी एक समस्या है, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। देखिए आयुष, यहाँ जिस तरह से इन्होंने बताया कि पलायन एक समस्या है और शिक्षा को लेकर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ शिक्षा का हब बोकारो को माना जाता है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि प्लस टू की पढ़ाई पढ़ने के लिए बाहर से बच्चे आते थे, लेकिन प्लस टू के बाद लोगों को बाहर जाना पड़ता था, यहाँ के खुद बच्चे बाहर जाते थे। अगर यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगर खुल जाता तो वहाँ रोजगार भी मिलता और यहाँ के बच्चे अपने घर में रहकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। और हम जनता की अगर मूड की बात करें तो हम बोकारो विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी भी बिजली पानी और शिक्षा की जो व्यवस्था है वहाँ लोग खुश नहीं है। देखिए बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर कमोबेश हर विधानसभा सीट पर नाराजगी है, नाराजगी सरकार से है, कहना है कि वादे कई हुए थे पूरे कुछ नहीं हुए। बने रहिएगा सुरेंद्र हमारे साथ, हजारीबाग से संवाददाता राजेश लाइव जुड़ रहे हैं, राजेश का रुख करेंगे। राजेश, हजारीबाग की अगर हम बात कर ले, हजारीबाग एक चर्चित क्षेत्र है, यहां से लगातार आवाजें उठी हैं सरकार के खिलाफ, सत्ता की कुर्सी के खिलाफ लगातार आवाजें उठी, लेकिन हजारीबाग में भी नाराजगी। हजारीबाग के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, बेरोजगारी है और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहा है। राजेश, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आपने क्या महसूस किया, जनता के मन में क्या है, अपने नब्ज टटोली, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए हजारीबाग काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और विधानसभा के लिहाज से हम माने तो यह बीजेपी के लिए एक बहुत ही सेफ सीट मानी जाती रही है। इस बार क्या होता है पता नहीं, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड रहा है उसमें ये देखा गया है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर विन विन पोजीशन रही है। लेकिन जनता की बात करें तो जनता कुछ मूलभूत समस्याओं से निश्चित रूप से परेशान है। आपको शहरी क्षेत्र की चकाचौंध भले ही उसमें सारी चीज़ें कमियां नहीं दिखे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हो या जो आउटस्कर्ट इलाका माना जाता है, जो बाहरी इलाका जिसे कहते हैं, उन सब क्षेत्रों में आप देखेंगे सड़क बिजली पानी की समस्या रहती है। और इसके समाधान के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे जनप्रतिनिधि के द्वारा, वह नहीं किए गए या पूरी गंभीरता के साथ नहीं किए गए। होता यह है कि जब सरकार अगर एक अलाइनमेंट की नहीं होती है, यानी बीजेपी का है और बीजेपी गैर भाजपा सरकार हो, तो एक बड़ा आधार बन जाता है और बहाना भी बन जाता है कि देखिए मेरी सरकार नहीं है इसलिए यह काम नहीं हो पा रहा है। कई जगहों पर मैंने भ्रमण किया तो ये पाया कि उनका कहना है कि हमारी सरकार नहीं है राज्य में, नहीं तो काम हो गया रहता, जब रघुवर सरकार थी तो तेज़ी से काम हो रहे थे। लेकिन अगर सवाल ये उठ रहा है कि रघुवर सरकार जब थी उसी समय काम अगर हो गया रहता तो शायद आज वह काम दिखता भी, तो बहाने भी हो जाते हैं और एक आधार भी बन जाता है। मान लीजिए कोई हम प्रयास कर रहे हैं, ये देखा भी जाता है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही इसको आप रिजेक्ट कर सकते, ये देखा जाता है कि जहाँ पर विरोधी दल के विधायक होते हैं या सांसद कह लें, जो भी जनप्रतिनिधि, थोड़ा बहुत तो उन्हें उनके साथ उपेक्षात्मक व्यवहार हो ही जाता है। फिर भी एक विधायक का काम होता है, चाहे वह किसी भी दल से ताल्लुक क्यों न रहता, वो संघर्ष करे, क्योंकि जनता उसे चुन कर भेजती है, जनता की आवाज़ को वह बुलंद करता है, चाहे वह सड़क पे हो या फिर विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जो विधायक हों या जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो भूमिका होनी चाहिए उसमें कमी देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए हजारीबाग जो शहर है वो पढ़े लिखे युवाओं का भी शहर है। आपने देखा होगा कि हाल में पेपर लीक के मामले में यहाँ से सुराग भी मिले और यहाँ के बच्चे आंदोलित भी थे। यहाँ कई प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, खास तौर पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए जो कोचिंग। बिल्कुल, देखिए शिक्षा एक बेहद गंभीर मुद्दा रहा है। अगर हम शिक्षकों की बात कर ले, स्कूल में शिक्षक ना होने के कारण या यूं कहें शिक्षकों की कमी होने के कारण स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल है, वही हाल स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है।
हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए बोकारो से, उनका रुख करते हैं। वक्त की पाबंदी है सुरेंद्र, चंद शब्दों में बताएं, आप जनता से बात की, आने वाले 5 सालों में सरकार से जनता क्या चाहती है? देखिए, जनता सरकार से काफ़ी उम्मीदें लगाए रहती है। लोग जब चुनते हैं किसी भी नेता को, किसी भी सरकार को, तो जनता जनार्दन यही सोचती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हम जिस जगह में रहें वहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ें मिले। लेकिन जैसे ही ये सरकार बनती है, सरकार चुनते हैं, तो जनता की समस्याओं का अंबार लग जाता है। न तो अधिकारी सुनते हैं, न तो सरकार सुनते हैं। अगर हम बात करें, जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, मोटेशन के लिए लोगों को दौड़ना, कई मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, हर किसी को चाहिए। सरकार से उम्मीद सबकी होती है, कीमती वोट देते हैं तो बदले में विकास चाहिए होता है। सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता मनोज जमशेदपुर से और राजेश हमारे साथ है, तो लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में इस बार क्या है, किसके कामकाज से जनता खुश है, किसे आने वाले 5 साल के भविष्य में सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहती है, और उसके लिए जब इस बार 13 या फिर 20 नवंबर को मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचेंगे, मन में क्या होगा, नब्ज टटोलने की कोशिश लगातार न्यूज 11 भारत की टीम कर रही है। हमारे साथ संवाददाता राजेश, मनोज और प्रभात लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करते हैं, आप खरसावां विधानसभा सीट पे, विधानसभा क्षेत्र में है इस वक्त। प्रभात, आज एक भव्य सभा हुई, हेमंता विश्वा शर्मा ने हुंकार भरी है, और एक वक्त पर आप कह सकते हैं चंपाई सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेनापति हुआ करते थे, उस क्षेत्र में बड़ा वर्चस्व हुआ करता था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। क्या सरायकेला हो, खरसावां हो या घाटशिला हो, सेनापति यानी चंपाई सोरेन के पार्टी बदलने से, दूसरे खेमे में जाने से, ये दुर्ग भी दूसरा खेमा में जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल आयुष, देखिए सबसे पहले मैं आज बता दूं कि जो खरसावां का सभा था हाई स्कूल मैदान में, जहां हेमंता विश्व शर्मा सभा को संबोधित किया, जिस तरीके से आज सभा में लोगों की भीड़ थी, जिस तरीके से लोग वहां पहुंचे थे, एक छोटे से स्कूल के मैदान में पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ था, और वहां से उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर हुंकार भरी, और जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार ने जितने भी वादे किए थे कोई एक वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज सभा में कहा। और पिछले 10 वर्ष से अगर बोलें तो वर्तमान जो विधायक है दशरथ गगराई के, जो गुंडा राज है, एक तरह से गुंडा राज है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कमीशन खोरी की जा रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर आज हेमंता विश्व शर्मा ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष में विधायक का एक भी विकास के कार्य नहीं हुए, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे विधायक के वर्तमान विधायक की बात करें, वहाँ की जनता बदलाव के मूड में है। हमने कई लोगों से भी बात की, वहाँ के जो प्रत्याशी है सोनाराम बोधरा, जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तो वो गांव के लोगों तक पहुँच रहे हैं, गांव के कस्बे तक पहुँच रहे हैं, और लोगों का भी जो मूड है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। आपने कहा चंपाई सोरेन का कद, जब से भारतीय जनता पार्टी में चंपाई सोरेन शामिल हुए हैं तो उनका कद बहुत ही बढ़ गया, और एक ये कयास लगा रहे हैं जिस तरीके से पूरे कोल्हान में उनको चंपाई को कोल्हान टाइगर कहा जाता था, और जिस तरीके से पूरे कोल्हान में उनका दबदबा है, चाहे वो आप घाटशिला की बात कर ले, पोटका की बात कर ले, या जुगसलाई विधानसभा की बात कर ले, या स्वयं वो सरायकेला से प्रत्याशी है खरसावां की बात कर ले, या फिर सीकेपी सोनुआ, इन जितने विधानसभा क्षेत्र में उनका अच्छा दबदबा, क्योंकि वो 40 साल से ज़्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चे की राजनीति की थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिस तरीके से वो उन्होंने आज कई सभाओं में कहा है कि आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासी के जमीन को हड़पा जा रहा है, तो एक तरह से कहें कि एक बदलाव की बयार पूरे कोल्हान में नजर आ रही है, चूंकि कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपाई सोरेन, इसलिए चंपाई सोरेन के साथ कोल्हान की हवा भी शायद रुख बदल सकती है। सबको इंतजार है 23 नवंबर का। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। राजेश हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजेश आपका भी बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।